Yes, dear all, welcome. So now we start with our next chapter, that is income from other sources and income tax. So as you know, this is the last and the residuary head of income, jo ki income salaries, income from other sources, profit and gains, ya capital gain mein nahi aati, wo other sources mein aayengi, and the income will be classified into two heads. एक हैं इनकम्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर 56 सबसेक्शन 2, यानी कि इनको हम कह सकते हैं दे आर द स्पेसिफिक इनकम्स, और बाकी हो गई अदर इनकम्स. अब स्पेसिफिक इनकम में कौन कौन सी इनकम है 56 सबसेक्शन 2 में, जैसे कि जो डिविडेंड्स की इनकम हुई, अगर लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और हॉर्स रेस या किसी तरह की भी गैम्बलिंग की है, या कोई और गेम में कोई जीत हुई है, या कोई बेटिंग की है, तो वो सारे के सारे पैसे यहाँ आएंगे. यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में से भी पैसे जीतते हो तो वो आपके यहाँ पे इस हेड में आ जाएंगे, दे विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड. नेक्स्ट इज़ जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी सैलरी में से डिडक्ट करता है फॉर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन या इंश्योरेंस फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जब तक वो पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करा देता तो वो उसकी अदर सोर्सेज हेड की इनकम में शो होगा. इन केस वो जमा ना कराए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर के लिए, बिकॉज उसने उतना पैसा एम्प्लॉई के सैलरी में से काट के अपने पास रखा हुआ है. तो ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि जो भी उसने अपने किसी बिजनेसमैन यानी कि एसएससी जो बिजनेसमैन है या एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड की या इंश्योरेंस फंड की या किसी और रिटायरमेंट फंड की, उसमें एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन को काट के अपने पास रखा है. सो दिस इज़ द थिंग. नाउ द नेक्स्ट इज़ दैट वी गो अहेड कि जो इंटरेस्ट अर्न किया है किस तरह से सिक्योरिटीज़ के ऊपर, तो जो सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाए हैं उसमें जो भी इनकम आएगी वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम ऑफ एनी मशीनरी प्लांट फर्नीचर विच इज़ लेट आउट ऑन हायर. नाउ अगर वो आपका लेटिंग आउट का काम आपका बिजनेस नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ फैंसी टेंट हाउस, तो फैंसी टेंट हाउस का तो बिजनेस है कि वो लेट आउट कर रहा है, फर्नीचर देता है, वो क्रॉकरी देता है, ये सब चीज़ें देता है. नाउ वो उसका बिजनेस है, वो उसकी बिजनेस इनकम हो गई. बट इफ़ एनी अदर पर्सन हैज़ लेट आउट प्लांट और एनी फर्नीचर एंड दे हैव गिवन इट और मशीनरी हैज़ बीन गिवन एन ऑन हायर, सो दैट वुड बी टैक्सेबल. द इनकम जो आ रही होगी हायर चार्जेस, दे आर टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज. सिमिलरली वी गो टू द नेक्स्ट वन, जैसे कॉम्पोजिट लेटिंग का पॉइंट था. कॉम्पोजिट लेटिंग में क्या है कि घर के साथ साथ फर्नीचर वगैरह भी दे दिया गया. अगर घर का रेंट और फर्नीचर का रेंट अलग अलग किया जा सकता है, तो जो फर्नीचर का रेंट है वो आ जाएगा अदर सोर्सेज में, और घर का जो रेंट रिसीव कर रहा है एसएससी वो आ जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ हेयर इज स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी अगेन. तो अगर स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑफ सच पॉलिसी, अब ये पॉलिसी की अगर इनकम किसी और हेड में चार्जेबल नहीं है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेंस में नहीं है या सैलरीज में नहीं है, तो वो आ जाएगी फिर अदर सोर्सेज में. देखिए, और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जब भी मिलता है वो सेक्शन 10-10D के अंडर एग्जेम्प्ट है. बट इफ स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है, फर्स्टली अंडरस्टैंड स्कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ टेकन अप फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन. और जब उस पर्सन को वो पैसा मिलेगा, उस पैसे का उसको दैट वुड बी टैक्सेबल अमाउंट फॉर दैट पर्सन. बट इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन अप इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज ओन सेल्फ, तो वो फिर उसकी सेक्शन 10-10D में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसका मैच्योरिटी वैल्यू इंक्लूडिंग बोनस. देन इज एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम पर्संस और एनी, नाउ दिस इज एनी पर्सन और पर्संस, तो वो क्या रिसीव कर रहा है? तो वो सबसे पहले वो कह रहा है कोई भी सम ऑफ मनी बिना किसी कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. तो अगर किसी कंसिडरेशन के बगैर वो कोई भी सम ऑफ मनी रिसीव कर रहा है, नाउ इन दैट केस व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन इनकम? द वैल्यू ऑफ सच सम. लेकिन ये तब होगा
if it is exceeding how much? 50,000 rupees. In the next case is immovable property. Again, agar without consideration hai, jiski stamp value, duty value 50,000 se zyada hai, to fir uski stamp value hi lenge, jo included hogi other sources income mein. Aur agar ye cheez, ye without consideration ka rule hai, agar with consideration hai, koi consideration di hai, koi paisa di hai, then the rule is the stamp value of the property which is exceeding such consideration. And if the amount is in excess, yani ki zyada hai, that is, wo kya likha hai? Amount of rupees 50,000 or and the amount equal to 5% of the consideration. So fir wo jo excess amount hoga, wo excess amount aapka jo hai, that is to be included in the income. Now when I say person or persons, so which persons I am talking about? वो persons की भी आप पूरी की पूरी यहाँ पर that these provisions are shall not be applied to any sum of money or any property which is received. मतलब अगर ये जो हमने पिछला table देखा, अगर वो चीज़ें किसी relative से मिल रही हैं या will से मिल रही हैं या inherit की हैं या marriage के occasion पे मिल रही हैं और in contemplation of death of the donor मिल रही हैं या local authority दे रही है, इन पॉइंट्स के लिए अगर वो मिल रही है तब वो प्रोविज़न अप्लाई नहीं करेंगी. और जब भी हम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वर्ड बोलते हैं तो प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ वो लैंड बिल्डिंग दिमाग में आती है ज़्यादातर हमारे, बट इट इंक्लूड्स मोर देन दैट. सो इट आल्सो इंक्लूड्स, एक तो लैंड बिल्डिंग हो गया मूवेबल, उसके अलावा शेयर सिक्योरिटीज़ आ गया, ज्वेलरी आ गई, एनी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई ड्राॅइंग, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई वर्क ऑफ आर्ट है, एनी बुलियन. और यहाँ पर हमने अभी एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा कि ये प्रोविज़न यानी कि 50,000 से ज़्यादा वाला अगर किसी से पैसा लेते हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. तो वो कहते हैं रिलेटिव को छोड़ दो. तो जब मैं रिलेटिव की बात करती हूँ तो रिलेटिव में कौन आएगा? रिलेटिव मतलब अगर इन लोगों से हमने ले लिए ना पैसे, कौन कौन? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्पाउस, फिर वो जो उसका इंडिविजुअल है आगे उसके भाई बहन, फिर ये स्पाउस है उसके आगे भाई बहन, फिर उन अगर उस इंडिविजुअल के पेरेंट्स की बात करेंगे तो इधर फिर स्पाउस के पेरेंट्स की बात करेंगे. सो दिस फुल लिस्ट, देन द लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो एंड द स्पाउस ऑल्सो. सो ये सारी चीज़ें ये याद रखो, ये रिलेटिव की डेफिनेशन जो है ये बहुत वास्ट है यहाँ पर. सो द नेक्स्ट थिंग इज वी गो टू द नेक्स्ट वन. अब हम आ गए दूसरी, अदर इनकम्स. अभी तक हमने किए थे स्पेसिफिक, अब आ गए अदर इनकम. अदर इनकम कौन सी हैं विच आर चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज? तो द अदर इनकम्स इंक्लूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, लोन्स. अब हमने घर अगर किराएदार को दिया है तो वी आर गेटिंग रेंट, दिस रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. उस किराएदार ने क्या किया, तीन रूम्स थे उसमें से एक रूम उसने किसी और को आगे किराए पे रख दिया, यानी कि किराएदार ने आगे किराएदार रख दिया, तो उसे क्या कहेंगे? हमने तो किया था उसको लेट आउट, उसने आगे सब लेट कर दिया. तो जो सब लेट की इनकम है वो किसको मिलेगी? टेनेंट को. तो इनकम ऑफ टेनेंट फ्रॉम सब लेटिंग, तो जो उसको मिल रहा है किराया वो यहाँ पर आएगा. लेकिन वर्ड रेंट नहीं लिखा हुआ, वर्ड लिखा है इनकम. तो इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, आई शो यू फर्दर. फिर किसी टीचर को कोई यूनिवर्सिटी वर्क करने के लिए, कोई एग्जामिनेशन वर्क के लिए या किसी लॉयर को पैसे मिल रहे हैं वो आ जाएंगे रॉयल्टी की इनकम, डायरेक्टर फीस, रेंट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल इनकम. इंडिया वाली होती तो एग्जाम्ड थी 10(1) में, 10 सबसेक्शन 1 में, अभी आउटसाइड इंडिया है. देन इनकम फ्रॉम मार्केट, फेरीज, फिशरीज, ये सब टैक्सेबल. लीज होल्ड प्रॉपर्टी की कोई इनकम है, अगर आर्टिकल्स लिख रहे हैं हम जर्नल में, हमें आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे भी यहाँ पर टैक्सेबल हैं. नाउ एक और चीज़ यहाँ पर आ गई, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज. बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी हुई हैं कि द पुलिस कम्स फॉर अ रेड एंड देन द थिंग्स आर फाउंड. I remember some Rajnikanth movie was there that so many things undisclosed income was taken out, kuch chhat se nikal raha tha, kuch
पिल्लोज में से निकल रहा था. सो ऑल दैट, अब जो जिसकी पोजेशन में मिलेगा तो वो उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. बट इनकम क्योंकि उसके पास से मिल रही है तो वो टैक्सेबल है. और कहाँ टैक्सेबल है? अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है. सो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज कैश क्रेडिट की फॉर्म में हो सकती है. अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मिल गए या पैसे मिले उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. आपने अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई एक्सपेंडिचर शो कर दिया है जिसकी आप कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं कर पा रहे हैं. मे बी आपने कोई वाउचर वगैरह नहीं रखे हुए, रिसीट्स नहीं प्रॉपर मेंटेन की गई. सो ऑल दैट. तो सिमिलरली अन, आपको याद होगा कि एक हमने पॉइंट किया था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की जब बात करते हैं, तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जब रिफंड आता है, सो जब भी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का रिफंड आता है तो उसके जो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट होता है रिफंड के टाइम पे, वो टैक्सेबल हो जाता है. यानी कि आज पर्सन रिटायर हुआ लेकिन उसका जो फंड था वो एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज नहीं करवाया था, दैट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड. तो उसमें से उसको पैसे मिले अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे रिटायरमेंट पर. लेकिन जितना इंटरेस्ट का पोर्शन होगा, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट? एम्प्लॉई के अपना हिस्से पे जो इंटरेस्ट बन रहा होगा, यानी कि इंटरेस्ट received by an employee on his own contribution. और कौन से फंड से? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से. तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. अब ये जितने MPs हैं, MLAs हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है, सो दैट इज ऑल्सो अदर सोर्सेज इनकम बिकॉज दे आर आर रिप्रेजेंटेटिवस, दे आर नॉट द वंस विच आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट. देन इज द इंश्योरेंस कमीशन, जो अगर बिजनेस हेड में नहीं आई, जो आपको रिसीव हुई है तो वो यहाँ आ जाएगी. सिमिलरली कोई ट्रेडमार्क है रेट पे दिया हुआ है तो दैट विल बी कवर्ड. देन डायरेक्टर कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू द बैंक्स, देन फॉर अंडरराइटिंग द शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स. और इसमें से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फैमिली पेंशन. ये भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए भी. फैमिली पेंशन if received by the widows of employee of UNO या गिलेंट्री अवॉर्डी. गिलेंट्री अवॉर्डी जैसे कोई ऑनर मिला हुआ है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, एनी सम कोई ऑनर है उनको मिला हुआ, तो गिलेंट्री अवॉर्डी की फैमिली को मिल रही है पेंशन. और फैमिली का मतलब क्या है? जिसमें स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी, लेकिन वो डिपेंडेंट थे उस इंडिविजुअल पे जिसकी डेथ हो गई, जिसकी पेंशन रिसीव कर रहे हैं, तो वो इट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. सो द फैमिली पेंशन विच इज़ रिसीव बाय विडो और चिल्ड्रन ऑफ इवन आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द यूनियन. सो इन दिस केस ऑल्सो इट इज़ रिटर्न कि अगर डेथ हुई है उनकी इन कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी, प्रोवाइडेड सर्टन प्रिस्क्राइब कंडीशंस आर देयर. लेकिन इनकी एग्जेम्प्ट है लेकिन बाकियों के लिए टैक्सेबल है. एक एक्स पर्सन था, वो एक ABC कंपनी में काम कर रहा था, तो लेट्स से ABC कंपनी फैमिली पेंशन दे रही है अब एक्स की डेथ के बाद, तो वो उसकी फैमिली के लिए, एक्स की फैमिली के लिए टैक्सेबल हो जाएगी. इसका टैक्स इम्प्लीकेशन हम बाद में करेंगे. देन इज़ द अमाउंट विच इज़ विदड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट जो NSS में किया था. कौन सा NSS है ये? नेशनल सेविंग स्कीम 1987, जिस पे डिडक्शन भी मिली थी. कौन से डिडक्शन? अंडर सेक्शन 80CCA. देन क्रिकेटर्स की बात आ गई. अब क्रिकेटर्स टेस्ट मैच खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, बहुत सारे मैचेस खेल रहे हैं क्रिकेटर्स. तो क्रिकेटर्स के लिए अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल है इनकम. तो इट्स रिटर्न that amount actually received by the player from country as that cricket control board. So wo is taxable after allowing a deduction. To ye deduction bhi karni hai. To jo paisa mil raha hai unko cricket control board se for the test matches, usme se 75% of the receipt to waise hi minus ho jana for reasonable expenses which have been incurred to earn this income. Aur agar jo dusre matches hain तो जितनी रिसीप्ट्स हैं वो सारी अज्यूम कर लेनी है कि भाई इन लोगों का खर्चा ही हो गया सारा का सारा, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है. क्रिकेटर बनना फ़ायदेमंद हो गया.
एंड देन अगर मैच खेल रहे हैं आउटसाइड इंडिया, सो प्लेयर को तब डिडक्शन मिलेगी कितनी, 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्लेइंग इन फॉरेन कंट्रीज. तो 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्लेइंग इन फॉरेन कंट्रीज वो डिडक्शन है, इसका मतलब 50% टैक्सेबल है. एंड द लास्ट पॉइंट इज जो टिप मिल रही है किसी वेटर को, किसी टैक्सी ड्राइवर को, जो एम्प्लॉयर नहीं, जैसे आप किसी होटल में खाना खा के आते हैं और आते हुए टिप दे आते हैं, तो वो टिप उनके लिए टैक्सेबल है. नाउ दिस आर द थिंग्स विच इनकम टैक्स हैज़ पुट इन, कि ये सारी इनकम्स अदर सोर्सेज हेड में आनी है. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आना क्या क्या है. तो आई होप टिल हेयर इट्स क्लियर. अब आपको याद होगा हमारा एक पॉइंट था डिविडेंड का, तो वी स्टार्ट विद डिविडेंड. ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि डिविडेंड क्या है. पहले तो डिविडेंड का सेक्शन देखें. डिविडेंड का सेक्शन क्या है? इट इज़ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. तो 222 में आगे क्लॉजेज हैं ए बी सी डी ई. ए कह रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है विच इज़ रिलेटिंग टू रिलीज ऑफ एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी, या डिस्ट्रीब्यूशन हुई डिबेंचर्स की, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स की, या बोनस शेयर्स की, पर दी किसको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है लिक्विडेशन पे या रिडक्शन पे. तो ये जो चार पॉइंट हम कर रहे हैं ना, दीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो वैसे के वैसे ही दीज आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल. लेकिन जो ये 222E वाला पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से देख लें. ये क्या कह रहा है? एनी पेमेंट जो कर रही है कौन, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी को समझ लो प्राइवेट कंपनी, बाय वे ऑफ एडवांस या लोन, किसे दिया जा रहा है? एक शेयर होल्डर को. वो कौन है? वो एक पर्सन है जो बेनिफिशियल ओनर है. किसका? शेयर्स का. उसके पास है क्या? उसके पास या तो एटलीस्ट, अब वो देखिए ना, वो लोन और एडवांस दिया गया था, तो लोन और एडवांस या तो उस पर्सन को सीधा दिया गया हो, या वो कह रहा है अगर किसी कंसर्न को भी दिया गया, किसी और कंसर्न को. जब मैं बेनिफिशियल ओनर की बात करती हूँ तो इसका मतलब उस पर्सन का एटलीस्ट 20% शेयर होना चाहिए उस क्लोजली हेल्ड कंपनी में. और यहाँ पे अगर किसी और कंसर्न को दिया गया है, तो वहाँ पे उसका कितना परसेंट? 10% वोटिंग पावर हो एटलीस्ट. तो इन केस दिस थिंग हैज़ बीन गिवन लोन एडवांस, चाहे नाम डिविडेंड नहीं है, पर फिर भी ये चीज़ टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 222E. इसको ये लिखा है कि इट इज़ गोइंग टू बी डीम्ड डिविडेंड. इस सेक्शन को, सेक्शन 222E को हम लेंगे डीम्ड डिविडेंड. लेकिन अगर ट्रेड एडवांस दिया, ट्रेड एडवांस मतलब काम करवाने के लिए टू अ शेयर होल्डर, किसी काम के लिए, कोई बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए एडवांस दिया गया था शेयर होल्डर को आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. नाउ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात आई तो वो क्यों आई? फॉर एग्जांपल लोन दिया गया 1 लाख का, लेकिन उस कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये पहली लाइन में पढ़ें, द डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट्स बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आर डीम्ड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. नाउ सपोज लोन दिया गया 1 लाख का, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के सिर्फ 75,000 थे, तो हम कंपेयर करेंगे 1 लाख और 75,000, विच एवर इज लेस. तो आंसर आएगा डीम डिविडेंड इज 75,000. आई होप टिल हेयर इट इज़ क्लियर. सो वी विल कॉन्टिन्यू, इसको एक बार रिवाइज करें यहाँ तक. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.